हेलो स्टूडेंट्स, तोमर सर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज फिर मैं लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें आपको जानकारी मिलेगी ADDIE कोर्स के बारे में, एडवांस डिप्लोमा इन डेटा एंट्री ऑपरेटर। यदि आप कहीं ऑफिस वर्क ढूंढ रहे हैं, यदि आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, यदि आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज की और साथ में आप इवनिंग टाइम में 2 घंटे 3 घंटे कहीं डेटा एंट्री की जॉब करना चाहते हैं, आपका कंप्यूटर कोर्स हो चुका है और अब आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब हाई कोर्ट, कलेक्ट्रेट, रेलवे, पुलिस, बैंक, इन सभी जगह अधिकतर निकलती रहती है। यदि आप इसकी वैकेंसी के लिए इलिजिबल होना चाहते हैं तो आपके पास में एडवांस डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए। इस डिप्लोमा कोर्स को करने के बाद आपको कंप्यूटर में कंप्लीट डेटा एंट्री करते बनने लगता है। डेटा एंट्री की जरूरत आज एक हर कंपनी, हर ऑफिस, हर प्राइवेट सेक्टर में भी है। सभी जगह फैक्ट्री हो, कोई फाइनेंस कंपनी हो, सभी जगह कस्टमर का डेटा एंटर करवाना है, कस्टमर के डेटा की रिपोर्ट निकलवाना है, किसी सॉफ्टवेयर में डेटा की एंट्री करवाना है, एक्सेल में डेटा की एंट्री करवाना है, नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत में सरकार की कुछ योजनाएं हैं जिसके लिए नागरिकों ने कोई फॉर्म भरा हुआ है, उस फॉर्म को सॉफ्टवेयर में एंटर करना है, तो पर फॉर्म के हिसाब से भी कई बार कैंडिडेट को पे किया जाता है। इसके लिए आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब मिल सकती है। इसके अलावा आप फ्रीलांसर कहीं काम करना चाहते हैं ऑनलाइन, आपको डेटा कंपनी दे दी कि आप घर बैठ करके इंटरनेट में फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आपसे ये काम बनता है, और इस प्रूफ के लिए यदि आप कहीं जाकर के दूर किसी कंप्यूटर सेंटर में काम नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि घर बैठे ऑनलाइन आप इस डिप्लोमा को प्राप्त कर लें और इसका यूज करना शुरू कर दें, तो इसके लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूं एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। यदि आप माय कंप्यूटर कोर्स ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, माय कंप्यूटर कोर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए। देखिए ये ADDIE कोर्स के अंतर्गत आपको क्या सीखने मिलेगा। इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको कंप्यूटर फंडामेंटल, जी हाँ, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर की पूरी थ्योरी आपको पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए? आपने इसका डिप्लोमा कोर्स किया, अब आपकी मान लीजिए आर्मी में डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब लगने के लिए वहां पर आपको एक रिटन टेस्ट देना है, उसमें MCQ बेस्ड कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें बहुत कुछ कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में भी पूछा जाएगा, तो आपको इसका नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। दूसरा है MS Office, अब आपका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन के बाद आपको वहां पर कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना है ऑफिस से संबंधित, लेटर बनाना है, नोटिस बनाना है, सर्कुलर बनाना है, जॉब ऑफर लेटर बनाना, रेजिग्नेशन लेटर बनाना है, तो उसके लिए आपको MS Word बनना चाहिए, लिस्ट बनाना है, कैलकुलेशन करना है, चार्ट बनाना है, डेटा देखना है, इसके लिए एक्सेल बनना चाहिए, ट्रेनिंग देने के लिए, सेमिनार देने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको पावर पॉइंट सीखना चाहिए। तो कंप्लीट जब आप MS Office सीख जाते हो तो आप एक ऑफिस में अच्छे तरीके से इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके वहां पर काम कर सकते हो। एडवांस्ड डेटा एंट्री इन एक्सेल, एक्सेल में कैसे एडवांस डेटा एंट्री की जाती है, इसमें एडवांस डेटा एंट्री में ना आपको डेटा को हर तरीके से देखते बनना चाहिए, एक्सेल में डेटा को सही तरीके से प्रिंट करते बनना चाहिए, एक्सेल में डेटा को फार्मूले के इस्तेमाल के द्वारा कैसे कैलकुलेशन किया जाता है ये चीज बननी चाहिए। तो ये सारी चीजें एडवांस डेटा एंट्री कोर्स में आपको सब्जेक्ट में सिखाई जाती है। इंटरनेट स्किल्स, किस तरीके से वेबसाइट में डेटा की एंट्री की जाती है, ये सारा कुछ आपको सीखना होता है। हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी डेटा एंट्री का ही पार्ट है। हिंदी में कई वेबसाइट में टाइपिंग करनी होती है और कई में इंग्लिश में करनी होती है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको एक साल के डेटा एंट्री ऑपरेटर इस कोर्स में सिखाए जाएंगे। इसका डेमो आप देख लीजिए, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं हमारे ऐप में तो आपको कुछ इस प्रकार का डेमो
यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया गया, ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए जो इसमें बारकोड दिया गया है, जैसे ही आप अपने मोबाइल के किसी भी एप्लीकेशन से बारकोड वाले से स्कैन करेंगे तो आपको डेटा वहाँ पर दिख जाएगा, जिसका ये प्रूफ है कि आपका सर्टिफिकेट वेरीफाई हो गया है। इसके बाद क्या है, यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए और ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप ऐप के स्टोर टैब में आ जाइए। स्टोर टैब में आने के बाद आप ADDO कोर्स को सेलेक्ट कर लीजिए। देख लीजिए इसका इस प्रकार का थंबनेल आपको मिल जाएगा। इस कोर्स को ज्वाइन करने के में आपको एक बहुत ही अच्छा ऑफर मिलेगा, एक कूपन कोड दिखलाई दे रहा है। इस कूपन कोड में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी फीस कम हो जाएगी। जी हाँ, आपकी फीस कम हो जाएगी और कम फीस में आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद फीस में जैसी कूपन कोड अप्लाई करेंगे फीस कम हो जाएगी। अब बाय नाउ पर क्लिक कीजिए और पेमेंट कीजिए। पेमेंट सक्सेसफुल का कुछ इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद जो ADDO के वीडियो हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। जी हाँ, ADDO के जो वीडियो हैं वो अनलॉक हो जाएंगे और आप को सारे वीडियो आप देख सकते। कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा बनाने के लिए अपनी डिटेल ऐप के चैट में भेजना है, जिसमें आपको आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड, ये सारी चीज़ें भेजना है। इसके बाद आपका सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा और इसकी ओरिजिनल कॉपी पोस्ट द्वारा आपके घर के एड्रेस में भेज दी जाएगी। तो यदि आपको इस वीडियो की जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कहीं गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। उनको उनके पास ये ADDO एडवांस डेटा एंट्री ऑपरेटर का डिप्लोमा होना चाहिए, तभी उसमें उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस कोर्स को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए और ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स को आज ही ज्वाइन कर लीजिए।